तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी नींबू पानी बनाते हैं तो आप ये गलतियां तो नहीं करते। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियां बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग नींबू पानी बनाते समय करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो गलतियां। गर्मी के मौसम में हर समय गला सूखता है और ठंडा पानी पीने की इच्छा रहती है। ऐसे में पानी की जगह नींबू पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। शिकंजी में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। इस मौसम में काफी पसीना निकलता है जिससे कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में नींबू पानी से काफी फायदा होता है। इससे शरीर को विटामिन सी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शिकंजी पीते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शरीर को नुकसान हो सकता है। नंबर 1, हमेशा घर पर बनी शिकंजी ही आपको पीनी चाहिए। मार्केट में मिलने वाले नींबू पानी पीने से शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वह काफी अनहाइजीनिक होता है। नंबर 2, नींबू पानी बनाते समय इसमें चीनी कम डालें। चीनी ज्यादा होने की वजह से शरीर का वजन बढ़ सकता है। नंबर 3, शिकंजी में नींबू डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि नींबू को पूरी तरह से निचोड़ें। इससे नींबू की कड़वाहट से शिकंजी का टेस्ट खराब हो सकता है। नंबर 4, शिकंजी में साइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी और हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम हो उन्हें शिकंजी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। नंबर 5, नींबू पानी में ऑक्सलेट्स होते हैं जो शरीर में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे लीवर और किडनी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप भी नींबू पानी बनाते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।